हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्चून कैपिटल। दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रेटजी लर्निंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के साथ एक नई स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको लंबे समय तक डिप्लॉय किया, यानी कि लगभग साल भर तक अगर आपने इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया, तो यकीन मानिए इस स्ट्रेटजी में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो अगर आपको शेयर बाज़ार में लगातार लॉस हो रहा है या आप अगर नए ट्रेडर हैं, तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कीजिए। इससे लगभग आप मंथली जो है वो 5 से 6% ईजिली जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने चैनल पे काफ़ी स्ट्रेटजी शेयर की हुई है, जैसे कि आयरन फ्लाई हो गया, फ्लाई जो है उसकी हमने मंथली और वीकली दोनों स्ट्रेटजी शेयर की हुई है, और आयरन बटरफ्लाई भी हमने शेयर किया हुआ है। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर केवल ये स्ट्रेटजी शेयर नहीं करी, बल्कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी हमने पूरी डिटेल में बताई हुई है। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझनी है और तो अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस पूरी जो ऑप्शन स्ट्रेटजी की वीडियो सीरीज है उसको आप देखिए, तो अच्छे से आप ऑप्शन की स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को अगर आपने डिप्लॉय किया, तो आज के बाद आप यकीन मानिए कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम केवल इस चैनल पर स्ट्रेटजी नहीं बताते, बल्कि इसकी लाइव एडजस्टमेंट भी करते हैं और आपकी एक तरीके से हैंड होल्डिंग भी करके चलते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी जान के आप कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे जब तक कि आपका कोई मेंटर ना हो या आपके साथ कोई हैंड होल्डिंग करके आपको साथ में लाइव प्रैक्टिस नहीं करवाए। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको हमारी लाइव एडजस्टमेंट भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस पूरी स्ट्रेटजी को मैं डिटेल में समझाता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। पहले मैं इसकी सेटअप रूल की चर्चा कर लूँगा, इसकी एडजस्टमेंट की बात कर लूँगा, और फिर मैं ऑप्शन में चल के भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे हम इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे और वहाँ पे हम जो एडजस्टमेंट है वो किस तरीके से करेंगे। थर्सडे को हम इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करें, इसकी लाइव एडजस्टमेंट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस पूरी स्ट्रेटजी को मैं डिटेल में समझाता हूँ और ये स्ट्रेटजी क्या है ये बात कर। दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेंगल कम इन्वर्स कैलेंडर, यानी कि हमें स्ट्रेंगल को क्रिएट करेंगे, स्ट्रेंगल क्रिएट करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में, और उसकी जो हेज बाय है वो हम करेंट एक्सपायरी में करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले स्ट्रेंगल क्रिएट करना है और उसकी हेज बाय करनी है। तो जैसे ही आप हेज बाय करते हो, तो इस पूरी स्ट्रेटजी का जो नाम है वो हो जाएगा इन्वर्स कैलेंडर। तो इस पूरी स्ट्रेटजी को जो है हमें केवल निफ्टी में डिप्लॉय करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी वाइल्ड मूव आती है, तो इसे हमें सेफ्टी के पर्पज़ से इसे हम केवल निफ्टी में डिप्लॉय करेंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रेंगल हमें कब क्रिएट करना है। इसे हमें, जैसा कि अभी मैंने बात किया, इसे हम थर्सडे को डिप्लॉय करेंगे, और थर्सडे को हम नेक्स्ट एक्सपायरी की, जैसे कि अगर अभी करंट एक्सपायरी की मैं बात करूं, कल थर्सडे है, कल 15 सितंबर है, तो हमें जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, यानी कि 15 के बाद जो 22 तारीख की एक्सपायरी है और उसके बाद 29 तारीख की एक्सपायरी है, तो हम 29 तारीख की एक्सपायरी का जो है वो हम स्ट्रेंगल सेल करेंगे, और जो करेंट एक्सपायरी है यानी कि 22 सितंबर की जो एक्सपायरी है उसमें हम हेज बाय करेंगे। तो स्ट्रेंगल दोस्तों हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, स्ट्रेंगल के लिए दोस्तों आप 15 से 20 डेल्टा करिए, या 40 से 45 रुपये की जो प्रीमियम होती है कॉल एंड पुट दोनों तरफ में, उसे हम सेल कर देंगे और करेंट एक्सपायरी का हेज बाय करेंगे। दोस्तों, ये हेज बाय जो है हम केवल ओवरनाइट जो है उसके पर्पज से करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट डे जब होगा तो वहाँ पर हम हेज को क्लोज कर देंगे। तो इस पूरी स्ट्रेटजी के लिए कम से कम आपके पास 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुआ सेटअप रूल कि हमें स्ट्रेंगल को क्रिएट करके उसकी हेज बाय करनी है। अब हेज बाय जो है दोस्तों, वो कम से कम जो भी आपका सेल लेग है उससे 200 या 300 पॉइंट दूर जाके आप हेज बाय करेंगे, और इस पूरी स्ट्रेटजी को इस तरीके से हम डिप्लॉय करेंगे। अब इस पूरी स्ट्रेटजी को जो है हमें होल्ड कब तक करना है, इस पूरी स्ट्रेटजी को जो है हम नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि नेक्स्ट थर्सडे आएगा तब तक हम होल्ड करेंगे, और इस बीच में अगर कोई भी जो एडजस्टमेंट होगी वो हम एडजस्टमेंट भी करते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरी एडजस्टमेंट के बीच में अगर कभी भी आपको 1000 के आसपास का लॉस होने लगे, तो इस पूरी स्ट्रेटजी को हम क्लोज कर और फिर नेक्स्ट वीक में इस स्ट्रेटजी को हम डिप्लॉय करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट सेटअप रूल। अब इसकी हम जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि एडजस्टमेंट, दोस्तों एडजस्टमेंट क्या करना है। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि हमें जो है वो हेज को केवल ओवरनाइट के पर्पज़ से रखना है, तो इसकी जो भी सेल लेग की जो प्रीमियम है उसमें हम डेल्टा को मैनेज करते हुए चलेंगे। जब भी डेल्टा मिसमैच हो जाए, 5 डेल्टा या 10 डेल्टा के आसपास मिसमैच हो जाए, तो वहाँ पे हम डेल्टा को मैच करा देंगे, या फिर जब भी हम एक शाम में जाते वक्त, यानी कि आज की जो सेशन है 3:30 बजे क्लोज होती है, तो 3:15 या 3:20 के आसपास आप दोनों साइड का प्रीमियम को चेक कीजिएगा, और जहाँ पे जब भी प्रीमियम मिसमैच आए तो हमें वो प्रीमियम को इक्वल कर देना है। यानी कि यहाँ पर हम पहली बार जो है वो प्रॉफिट के लेग को हम एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट का जो लेग है उसे हम क्लोज कर देंगे, और सेल जो दूसरे साइड की जो प्रीमियम उसके बराबर का जो प्रीमियम है वो सेल कर देंगे। लेकिन जब सेकेंड टाइम आएगा, तो सेकेंड टाइम में हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें लॉस के लेग को पीछे की ओर लेना है। इससे
क्या होगा कि हम मार्केट में हर वक्त एक जो डिस्टेंस है उसको मैनेज करते रहेंगे। तो पूरी एडजस्टमेंट दोस्तों ये है कि एक बार हम प्रॉफिट के लेग को क्लोज करेंगे, एक बार लॉस के लेग को एग्जिट करेंगे, यानी कि यहाँ पे रोल अप रोल डाउन जो है ये प्रोसीजर को हम करते रहेंगे। तो इस पूरी एडजस्टमेंट के बावजूद भी अगर आपको कभी भी 1000 का लॉस हो तो आज पूरी स्ट्रेटजी को क्लोज कर दीजिएगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने अभी बात की। दोस्तों ये जो हेज की पोजीशन है ये टोटली केवल ओवरनाइट हेज के पर्पज से होगा, और जैसे ही मॉर्निंग होगा यानी कि 9:40 9:45 के आसपास इस आप हेज लेग से एग्जिट कर लीजिएगा। और अगर मार्जिन के पर्पज से ज़रूरत पड़े जैसा कि अभी मैंने बात की, अगर कैपिटल में कुछ कमी हो तो वहाँ पर आप दूर से 1-1 रुपया का जो कॉल पुट है वो हेज बाय कर लेंगे, वो मगर वो हेज नहीं होगा, वो केवल मार्जिन के पर्पज़ से आपकी हेज बाय होगी। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरी स्ट्रेटजी जो कि इन्वर्स कैलेंडर मैंने बात की, इसमें दोस्तों स्ट्रैंगल की एडजस्टमेंट की भी बात हो गई और इन्वर्स कैलेंडर क्या होता है आप ये भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस पूरी स्ट्रेटजी को मैं चलता हूँ ऑफ टर्म, और ऑफ टर्म चल के डिप्लॉय करके दिखाता हूँ कि हम इस किस तरीके से स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे, और उसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो भी मैं करके दिखाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से उसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मैं स्क्रीन पर चलता हूँ और स्क्रीन पर चल के आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आ गया हूँ ऑफ स्टॉम में, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मैं ऑफ स्टॉम चल के आप लोग को बताता हूँ इन्वर्स कैलेंडर क्या होता है और उसे हम किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे। दोस्तों अभी करंट में आप देख सकते हो करंट एक्सपायरी जो है वो हमारी है 22 सितंबर, और नेक्स्ट एक्सपायरी है वो हमारी है 29 सितंबर की। तो हमें करना क्या है, 29 सितंबर का जो भी 40 रुपये के आसपास का प्रीमियम होगा या 20 डेल्टा के आसपास, दोस्तों 20 डेल्टा से आगे हम नहीं जाएंगे, तो ये मैंने 29 सितंबर का सेलेक्ट कर लिया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये स्ट्रेटजी को केवल हम निफ्टी में डिप्लॉय करें, तो ऊपर देख सकते हो आप निफ्टी हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसमें हम देखते हैं चल के 29 सितंबर में 40 रुपये के आसपास की प्रीमियम जो है कहाँ पे है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये 17150 के पास जो है वो 41 का, और 17100 पे 43 का। तो हम करेंगे क्या, 17100 की जो है वो हम पुट को सेल कर देंगे। यहाँ पर एक लॉट में करके दिखा रहा हूँ, ये 17100 का एक लॉट हमने सेल कर दिया, 17100 की देख सकते हो 43 रुपये प्रीमियम है, और इसका जो डेल्टा है वो 12 डेल्टा है। दोस्तों हमें किसी भी हाल में 20 डेल्टा से आगे नहीं जाना है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसके ऊपर की कोई भी स्टैक ले सकते हो, लेकिन सेफ्टी के पर्पज़ से मैं अभी 17100 का पुट मैंने सेल किया, जिससे कि हमें रेंज काफ़ी बड़ा मिल जाएगा। तो 17100 का पुट हमने सेल कर दिया। अब कॉल साइड में देखते हैं कि 12 डेल्टा का जो है वो कहाँ पे कौन से स्टैक है। दोस्तों 12 या 13 डेल्टा आप देख सकते हो 18500, तो यहाँ पर हम आप 18500 या 18450 भी कर सकते हो, हालांकि मंथली एक्सपायरी है वहाँ पे लिक्विडिटी की इशू आएगी, तो आप बेटर है 18500 का जो कॉल है वो हम सेल करते हैं। तो ये मैंने एक लॉट सेल कर दिया। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को हमें थर्सडे को शाम में जाते समय मार्केट जब क्लोज होती है उस समय इसको डिप्लॉय करना है। तो ये आपने जो है स्ट्रैंगल सेल कर दिया नेक्स्ट एक्सपायरी की। अब हेज बाय ओवरनाइट करनी है हमने, तो हेज जो है वो हम 200 स्ट्रैक प्राइस दूर यानी कि 17100 है तो 16900 का हेज बाय कर लेंगे, और 18500 है तो 18700 का हेज बाय कर लेंगे, जैसे कि हमारी मार्जिन है वो भी कम हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ आपको हेज बाय करके दिखाता हूँ। ये 22 सितंबर जो है करंट एक्सपायरी की हम 16900 जो है 16900 का ये पुट को हम बाय कर लेते हैं, और चलते हैं 18500 का कॉल था तो 18700 का जो कॉल है वो हम बाय कर लेंगे। 18700 का कॉल दोस्तों आप ये देख सकते हो 3.25 रुपये पे है, तो यहाँ पर हमने इसकी हेज बाय कर ली 18700 की। अब आप देख सकते हो पे ऑफ चार्ट हमारा ये बन गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो मार्जिन अब हमारी है वो केवल 47000 है, यानी कि केवल 50000 के आसपास है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में बात किया कि ये जो हेज की बाई है वो हम केवल ओवरनाइट करेंगे, और जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:45 के आसपास, ओपन होते के साथ ही नहीं लगभग आधे घंटे के बाद हम हेज बाई की जो पोजिशन है उसको क्लोज कर देंगे, और मार्जिन के पर्पज़ से 1-1 रुपये का जो कॉल अप पुट है उसको हम बाई कर लेंगे, उससे भी हमारी मार्जिन जो है 60 से 70 हज़ार में हो जाएगी एक लॉट। तो दोस्तों ये तो हो गया इन्वर्स कैलेंडर स्ट्रेटजी, इस तरीके से हम डिप्लॉय करेंगे। अब इसकी जो एडजस्टमेंट की बात की थी, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर शाम में जाते वक्त या मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है वहाँ पे जब भी डेल्टा मिसमैच होगा तो हमें रोल अप रोल डाउन करना है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है वो हम प्रॉफिट वाले लेग को क्लोज करके दूसरे साइड की जो प्रीमियम है उसके बराबर की जो पुट है या कॉल है उसको हम सेल कर देंगे, और सेकेंड टाइम जो है वो हम लॉस का लेग क्लोज करेंगे और उसको फिर पीछे की ओर खींच। यहाँ पे आप देख सकते हो 17100 और 18500 ये हमने कॉल एंड पुट जो है वो स्ट्रैंगल क्रिएट किया है नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे जब भी आपको ये 43 या 36 दिख रहा है तो यहाँ पे आप अगले दिन जब जाओगे तो या तो कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम दोनों में एक में प्रॉफिट हो रहा होगा और एक में लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो अगले दिन मार्केट जो थी वो बुलिश मार्केट थी, तो 18500 का जब कॉल अगले दिन ओपन होगा तो ये 36 रुपये की जगह में ये 45 रुपीज़ हो जाएगा, और ये पुट साइड का जो आप देख रहे हो 17100 ये लगभग 20 रुपये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है 17100 का जो पुट है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम इसको जो है अगर मार्केट ऊपर की ओर चली है तो यहाँ पे 17100 का जो
पुट की प्रीमियम है वो 20 रुपये के आसपास की हो जाएगी, तो हम इसको 20 रुपये में क्लोज कर देंगे यहाँ पे इस लेग को। और फिर कॉल के प्रीमियम के बराबर, जब पुट की प्रीमियम जब 20 हो जाएगी तो ये कॉल की प्रीमियम जो है वो 36 से हो सकता है 50 के आसपास की हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें 50 रुपीज़ के प्रीमियम का जो है वो पुट सेल कर देना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पुट साइज़ की प्रीमियम 50 रुपीज़ के आसपास की होगी वो हम सेल कर देंगे। तो जैसा कि अभी मैंने दिखाया 17100 का कॉल जो है वो हमने क्लोज कर दिया, तब यहाँ पे हम 17200 या 17250 उस समय जो है 50 रुपीज़ का चल रहा होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर अभी ले ले रहा हूँ 17250, तो 17250 की उस समय प्रीमियम 50 रुपीज़ की चल रही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये 17250 का पुट सेल कर देना है। उसके बाद आप जब देखोगे तो यहाँ पे डेल्टा जो है अभी मिसमैच दिख रहा है, उस समय डेल्टा आपको मैनेज होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको पोजिशनल ग्रीक दिख रहा होगा, यहाँ पे कभी भी 5 डेल्टा से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए जब भी आप पोजिशन को शिफ्ट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हमें करते रहना है हर एक मॉर्निंग में, हर दिन मॉर्निंग में 9:45 के आसपास करना है, और हर दिन इवनिंग में 3:30 या 3:20 के आसपास, 3:30 में तो मार्केट क्लोज हो जाती है, तो 3:15 या 3:20 के आसपास आप लोग को ये पोजीशन की शिफ्टिंग करनी है। और मार्केटिंग का जो रेंज है उस रेंज को पकड़ के बने रहना है, मार्केट के रेंज को मेंटेन करते रहना है। तो एक बार हम प्रॉफिट के लेग को क्लोज करेंगे और दूसरी बार लॉस के लेग को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों अगले दिन मार्केट जो है और भी बुलिश हो जाती है, मान लीजिए तो हमने जो 18500 का ये जो कॉल है, एक मिनट में यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, 18500 का कॉल जो उस समय क्या हो रही होगी, उस समय वो 18500 का कॉल मान लीजिए 70 रुपये के आसपास की बन गई होगी। तो उस समय आप क्या करोगे, 18500 के कॉल को यहाँ पे उस समय 70 रुपये पे इसको क्लोज कर दोगे। यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ जाए। इसकी जो लाइव एडजस्टमेंट है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाया करेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप हमारे लाइव ट्रेड को भी फॉलो कर सकते हैं और उससे आपकी जो कंसेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बात की, अगले दिन फिर से मार्केट बुलिश हो जाती है और ये 18500 की जो प्रीमियम है वो 70 रुपये की बन जाती है। तो अब आपको क्या करना है, 18500 का कॉल जो है उसको आपको क्लोज कर देना है 70500 में, और उसके बाद जो है आपको ऊपर की ओर शिफ्ट कर लेनी है। यानी कि 18500 पे आपने क्लोज कर दिया तो 18600 या 18700, तो उसमें 18700 का जो प्रीमियम है वो लगभग 30 रुपये या 35 रुपये के आसपास चल रही होगी। तो उसको आपको सेल कर देना है यहाँ पे 35 रुपये के आसपास जो है, जिससे कि पुट की प्रीमियम और कॉल की प्रीमियम उसमें फिर से बराबर हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया आपको, पुट साइड की प्रीमियम जो है उसको भी शिफ्टिंग करके दिखा दी, कॉल साइड की प्रीमियम है उसको भी शिफ्टिंग करके दिखा दी। तो दोस्तों ये होता है हमारा इन्वर्स कैलेंडर। इससे क्या होता है, आपको एक मार्केट में रेंज मिलता रहता है। अगर मार्केट बुलिश होते जा रही है तो आपको पीछे की ओर शिफ्ट करते जाना है, जिससे कि आपको रेंज अपसाइड का रेंज जो है मेंटेन करना है। अगर मार्केट बियरिश भी हो जाती है तो उसमें एक बार आपको कॉल को शिफ्ट करना है, दूसरी बार जो है पुट को आपको पीछे ले लेना है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में जब भी पूरी एडजस्टमेंट के बावजूद भी अगर आपको कभी भी 1000 के आसपास का लॉस हो, जैसा कि मैंने शुरू में बात किया था, तो वहाँ पर आपको पूरी स्ट्रेटजी क्लोज कर देनी है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इवेंट हो तो उस इवेंट के आसपास आपकी कोई भी पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए, वहाँ क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी कोई इवेंट हो तो उस इवेंट के आसपास आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय मत कीजिएगा, और अगर स्ट्रेटजी पहले से डिप्लॉय है तो इवेंट के एक दिन पहले आप पूरी पोजीशन को क्लोज कर लीजिएगा, और जब इवेंट समाप्त हो जाए तब आप फिर से स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्वर्स कैलेंडर स्ट्रेटजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको हमारा लाइव ट्रेड फॉलो करने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।